Hello students, how are you? Today we will be studying about subscript and superscript in MS Word. So let's start now. First is superscript. This option places the selected text slightly below the lines of normal printed text. अगर आप सबस्क्रिप्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक्स्ट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, और फिर आप किस पे क्लिक करेंगे, सबस्क्रिप्ट पर, तो आपका टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल टेक्स्ट से बिलो हो जाएगा। यहाँ आप एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पर टू आपको थोड़ा सा एच और ओ से नीचे दिखाई दे रहा है, तो टू को हमने क्या किया है, सबस्क्रिप्ट किया है। तो कैसे करेंगे, टू को पहले सेलेक्ट कर लेंगे और फिर हम सबस्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे। ये कैसे करना है प्रैक्टिकली अभी मैं आपको बताऊंगी। तो टू को यहां पर हमने क्या किया हुआ है, सबस्क्रिप्ट। नेक्स्ट इज सुपरस्क्रिप्ट। दिस ऑप्शन प्लेसेस द सेलेक्टेड टेक्स्ट स्लाइटली अबव द लाइंस ऑफ द नॉर्मल प्रिंटेड टेक्स्ट। जिस भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लेंगे और सुपरस्क्रिप्ट पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपका टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट से क्या हो जाएगा, अबव हो जाएगा। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, टू यहाँ पर ऊपर नजर आ रहा है, टू को हमने क्या किया हुआ है, सुपरस्क्रिप्ट किया हुआ है। और इसको आपने प्रैक्टिकली एमएस वर्ड में कैसे करना है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट नाउ, हाउ कैन वी डू दिस। सबसे पहले आप, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, H2O, तो आपने टू को क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ होम टैब में देखिए, ये है आपका सबस्क्रिप्ट, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, आप देख सकते हैं टू जो है वो बिलो हो गया, नॉर्मल टेक्स्ट से बिलो हो गया है। तो ये आपने किससे किया, सबस्क्रिप्ट से। अब नीचे आप देखिए, अगर हमें सुपरस्क्रिप्ट करना है, यहाँ पर मैं टू को सेलेक्ट कर रही हूँ, ये आपका है ऑप्शन यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट, यहां पर क्लिक कर देंगे, ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट से अबव हो चुका है। सबस्क्रिप्ट में नीचे हो जाता है नॉर्मल टेक्स्ट में, और सुपरस्क्रिप्ट से थोड़ा ऊपर हो जाता है। तो आज आपने क्या सीखा कि हम एमएस वर्ड में सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कैसे कर सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।